Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए prediction for next week. Next week हमें पता है festival का है, all we need to enjoy as much as we can. और I want to first wish you all a very happy Diwali in advance. Stay happy, stay safe and bring happiness in others' life. So इस week में आप ज़रूर charity, donate और some support, some help दूसरों के लिए कुछ करें so that आपको भी blessings, reward और happiness attract हो. So यहाँ मैं इस reading के through आपको ये share करूँगी इस week के लिए zodiac sign based में कि आपके लिए lucky color क्या है जो इस week आप पहन सकते हैं, इस week जिससे कि आप luck attract कर सकते हैं. Good luck, prosperity, wealth and opportunities and lots of prosperity and health recovery के लिए prayer कर सकते हैं. So lucky color, also the ritual जो आपको perform करना है based on your zodiac sign. Another thing most important, धनतेरस है तो धनतेरस पे आप क्या ले सकते हैं. As per tarot आपके लिए जो guidance आ रही है based on your zodiac sign मैं यहाँ share करने वाली हूँ. And इसके साथ आपका लक कितना सपोर्ट कर रहा है इस वीक. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, आप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश को वेलकम करना चाहते हैं अपने घर में, सो आपके लिए वो क्या रिचुअल्स या क्या टिप्स आ रही हैं, क्या आपके लिए वो वास्तु टिप्स बताई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में शेयर करने वाली हूँ. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कॉमेंट डाउन बिलो, हैप्पी दिवाली, सभी को दिवाली विश करें और मुझको भी. सो कॉमेंट में ज़रूर लिखें. And yes, one more thing, अभी discount available है website पे, website www.lizasimi.com. So any metaphysical thing, मतलब spirituality से related जो भी आप लेना चाहते हैं, gift share करना चाहते हैं अपनी family को, अपने आप को आप कुछ देना चाहते हैं तो आप website से ले सकते हैं. 10% discount available है. कूपन कोड मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा. सो इंस्टाग्राम पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और वहाँ से कूपन कोड ले सकते हैं या मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं कि कूपन कोड क्या है टू रिसीव द डिस्काउंट. ओके, सो दिस इज ऑल. सो नाउ डिस्क्रिप्शन में जोडिक साइन लिखे हुए हैं, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली जान पाएंगे ये वीक आपके लिए कितना प्रॉस्पैरिटी से भरा हुआ होगा. हाय अरीज, सो फर्स्ट थिंग फॉर यू, लेट मी सी आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं. विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस. एंड डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं थ्रू वेबसाइट सो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम. ओके, सो लेट मी सी एरीज आपके लिए ये वीक किस तरीके से दिख रहा है, क्या लकी साबित होगा, क्या रिचुअल आपको करना है, धनतेरस के लिए आप क्या ले सकते हैं. सो वी हैव एट ऑफ सॉर्ड, द एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी आ रही है आपके लिए, एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, राइट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात कर रही हूं तो आपकी जो एनर्जी दिख रही है यहां पे दैट इज एट ऑफ सॉर्ड. तो एरीज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपकी प्लानिंग है उस बेसिस पे आपको अभी सॉल्यूशंस या फिर अभी आपको ऑप्शंस या आपको जो चॉइसेस हैं वो नहीं बन पा रही हैं एंड दैट इज़ द मेजर इशू विच इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ. सो एरीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मैं रिचुअल की बात करूँ सो दैट कि ऑन दिस दिवाली ये जो फेस्टिव सीजन है ये कम्प्लीटली यूनिवर्स की तरफ से है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं. सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए फायर एनर्जी आ रही है. ठीक है, सो इट्स गुड, समथिंग रिलेटेड टू सन. ओके, सो जो आपको रिचुअल करना है दैट इज ऑल्सो मोर रिलेटेड टू द फायर एनर्जी. तो एटलीस्ट यहाँ पर एज एन एरीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेवन दीपक घी के, देसी घी में जैसे हम दीपक जलाते हैं, सेवन दीपक आप डेली जलाएं इस वीक से स्टार्ट करें टिल दिवाली. और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज फायर एनर्जी आपके लिए आ रही है कि दैट विल गोइंग टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स. सो आपके लिए एरीज इट्स इंपॉर्टेंट टू लाइट अप सेवन दिया. ठीक है, और वो दिया आप जो अर्दन पॉट होते हैं उसमें करें, दिवाली के अब हर जगह अवेलेबल है मार्केट में, सो गो एंड गेट दैट.
और उनको आपको अपने बिल्कुल सच्चे मन से, बिल्कुल एक पॉजिटिव होकर और एक एक मतलब प्रेयर के साथ आप उनको 7 दीपक रेगुलर इस दिन से, जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं यहाँ से दिवाली तक, आपको अपने लिए इस रिचुअल को परफॉर्म करना है, और इवनिंग में डेफिनेटली ये करना है। और इसके साथ साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी आ रही है, दिस इज अगेन कमिंग अबाउट द फायर एनर्जी, बट वेरी अनअलाइन, वेरी अनरियलिस्टिक। सो ये एनर्जी दिख रही है मूड स्विंग, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इस काइंड ऑफ लाइक अनइजीनेस बिकॉज ऑफ अदर्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन यू हैव, बट हाँ दूसरे लोग या फिर आपको जिस तरीके का लव, ऑनरशिप या रेस्पेक्ट आपको देखना है वो नहीं मिल रहा है। सो एरीज, दिस इज द टाइम फॉर यू। अगर आप धनतेरस पे भी आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए सम काइंड ऑफ वुड, ठीक है, किसी तरीके की वुड से रिलेट बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे लिए प्लेट्स होती हैं, बाउल होते हैं, दे आर लॉट्स ऑफ सोपीश थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो जो वुड से रिलेटेड कुछ बना हुआ है या फिर यूटेंसिल, कुछ किचन का आप ऐसा कुछ ले सकते हैं जो वुड से बना हुआ हो, ठीक है, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जी को ग्राउंड की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग द अर्थ एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा आप अगर क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जेम स्टोन लेना चाहते हैं, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, वो तो ले ही सकते हैं, बट स्पेशली वुड से बनी हुई चीज़ आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है एज एन कलर, लकी कलर दैट विल हेल्प यू। सो आपके लिए ये जो रिचुअल आया है और जो मैंने आपको धनतेरस के लिए जो एडवाइस दिया, आप इसको फॉलो करें, बिकॉज योर एनर्जी इज ओवरऑल कमिंग लाइक, यस यू आर वेरी फोकस्ड, यू वॉन्ट टू प्लान फॉर योर करियर, यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, बट वो अभी आप बहुत ही अनडायरेक्शनल हो रहे हैं। सो वी हैव द कॉन्फिडेंस, सी द कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और वो आपको लाना होगा, वो लाइट अप करना होगा। कॉन्फिडेंस, पावर एंड सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको, जिस तरीके से आप हर चीज़ में इशू आपको दिख रहे हैं, तो आपको इस टाइम पर ज़रूरत है कि आप हर तरीके के प्रेशर को हैंडल कर पाएँ, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस इज कमिंग हेयर एंड विद द स्माइली फेस, दैट्स रियली नाइस। आपके लिए ब्लैक कलर भी अच्छा दिख रहा है, सो समथिंग रिलेटेड टू ब्लैक आप वेयर कर सकते हैं, और दैट वुड बी लाइक एनीथिंग लाइक जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, ब्लैक विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ओके। और ये किसी ना किसी तरीके से आपके जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म करेगा एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। सो एरीज, दिस इज ऑल फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप यू विल हैव दिस क्लैरिटी नाउ। सो दिस इज द टाइम फॉर टू परफॉर्म रिचुअल, इस वीक में रिचुअल की तरफ फोकस करें। सो आई होप नाउ यू हैव दिस ऑल द क्लैरिटी। इफ मोर You want to know anything, if you have some confusion, you can comment down below on the comment section. मैं आपको reply ज़रूर दूंगी. So see you again. Bye. Hi Taurus, let's see आपके लिए ये week कैसा रहने वाला है. So यहाँ मैं आपको share करने वाली हूँ good luck, ritual and to attract and to manifest your wish as well as आपके लिए lucky color, और साथ में share करूँगी आपके लिए most important कि आप धनतेरस पे क्या ले सकते हैं टू ब्रिंग द वेल्थ एंड प्रॉस्पैरिटी। सो डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है अभी भी वेबसाइट पे, अगर आप कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी गिफ्ट या फिर अपने लिए कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं, 10% डिस्काउंट इज अवेलेबल। कूपन कोड मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा। सो योर एनर्जी इज टेन ऑफ सॉर्ड्स, सी योर एनर्जी इज कमिंग क्वाइट टायर्ड, ठीक है, आप बहुत एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, और सोच सोच के आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब आप में हिम्मत ही नहीं बन पा रही है। सो दिस इज़ योर एनर्जी, और ये वीक ही है ब्लेसिंग्स लेने का, ये वीक है गिवर एंड रिसीविंग का। सो आपके लिए देख लेते हैं इस वीक के लिए रिचुअल क्या आ रहा है। 9 of Wands एंड आपके लिए 3 of Swords। सी सो दिस वीक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ दिस, क्योंकि आप खुद में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपके साथ नहीं है, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ट्रॉमा चल रहा है, और जो सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से वो नहीं मिल रहा आपको। सो दिस इज़ ऑल ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू, और यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि इस वीक में, जब से भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वीक में सोशल होने की ज़रूरत है,
ट्राई टू बी सोशल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जाने कि आपकी जैसी प्रॉब्लम्स हैं ऐसी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हैं. सो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप में नेगेटिव नहीं होना है. एवरी प्रॉब्लम हैज़ सम सॉल्यूशंस, और आप जिस तरीके से फेज में गुजर रहे हैं ऐसे बहुत लोग गुजर रहे हैं, तो बिल्कुल अपने आप को बहुत अनलकी या नेगेटिव नहीं मानना है. यहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि इस वीक में आप कुछ डोनेट करें, और जैसे कि यू नो गिविंग फूड टू एनिमल, आप एक साथ कलेक्ट करके ले जा सकते हैं. यू कैन गिव सम फूड टू चिल्ड्रंस, यू कैन गिव सम क्लोथ टू चिल्ड्रंस, इस तरीके से कुछ भी स्टेशनरी प्रोडक्ट हो गया, या फिर आपके लिए किसी को जो भी ज़रूरत की आपको लगता है, इस तरीके से आप कुछ चैरिटी दें. चैरिटी इज़ इंपॉर्टेंट. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ लाइक टू मच डिटैच फ्रॉम अदर्स, बिकॉज अदर्स आर नॉट सपोर्टिंग यू, जो आपके आस पास के लोग हैं. इट इज़ द टाइम टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद द सोसाइटी. सोसाइटी इन द सेंस कि आपको इस टाइम पर ज़रूरत है कि आप डोनेट करें या चैरिटी दें, एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस रिचुअल. इसको करने से आपकी जो यू नो स्ट्रेस, एंजाइटी, एंड जो आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ये ख़त्म होंगे. साथ में धनतेरस पे आपके लिए स्पेशली ये आ रहा है कि कुछ भी शार्प चीज़ ना लें, नुकीली चीज़ ना लें, नाइफ या किसी भी तरीके का फोक. ये मैंने आपको पहले भी इंस्टाग्राम पे, मैं रील में भी शेयर कर रही थी कि धनतेरस पे क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते. टॉरस आपके लिए आ रहा है कि शार्प चीज़ें नहीं ले, ठीक है. एंड मोर गोज़ विद ऑल दोज थिंग्स दैट आर वेरी कनेक्टिंग विद यू. यू कैन टेक लाइक आपकी हीलिंग के लिए दिख रहा है. सो इट्स गुड कि आप कोई बुद्धा स्टैचू ले सकते हैं. इट्स गुड आप कोई प्लांट बाय कर सकते हैं. इट्स गुड अगर आप लॉर्ड यू नो गणेश का स्टैचू ले सकते हैं. समथिंग विच इज़ गोइंग टू हील यू बाय वो देखने से, ठीक है. सो इट्स गुड अगर आप प्लांट लें. आप कुछ भी ले रहे हैं, गोल्ड कॉइन ले रहे हैं, सिल्वर कॉइन ले रहे हैं, यूटेंसिल ले रहे हैं, उसके अलावा टॉरस इट इज़ द टाइम टू गो फॉर सम प्लांट, नेचुरल प्लांट की तरफ बढ़ें. आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर हीलिंग के लिए वाइब्स आ रही है कि यू हैव टू हील योर हार्ट, एंड दैट्स ऑल अबाउट विद द ग्रीन कलर, ठीक है. तो ग्रीन कलर का कोई प्लांट ले सकते हैं. यूजुअली सारे ही प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ये वीक आपके लिए आपकी स्ट्रेस और नेगेटिविटी को दूर करेगा, ठीक है. लेट मी चेक टॉरस आपके लिए लकी कलर क्या आ रहा है. सो वी हैव कॉन्शियसनेस, दिस इज द टाइम टू बी मोर लाइक ग्रे कलर आ रहा है आपके लिए, एंड ऑल्सो द न्यूड कलर. आप कोई भी न्यूड कलर ले सकते हैं. यहाँ पे ग्रे भी है और लिटिल बिट पर्पल मिक्स यहाँ पे दिख रहा है. आई कैन से अगर मैं इस कलर को देख रही हूँ तो मुझे लेवेंडर दिख रहा है. सो आपके लिए लेवेंडर कलर बहुत अच्छा है. और टॉरस, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी यू नो कॉन्शियसली अवेकन. तो जितना स्पिरिचुअल आप कुछ या जैसे कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, बेसिकली रिचुअल, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द टाइम टू गिव सम डोनेशन, सम चैरिटी, ठीक है. और स्मॉल और लिटिल एनीथिंग आप हेल्प कर सकते हैं. आप को एनिमल लवर से तो आप सीधा जाके एनजीओ में कुछ डोनेट कर सकते हैं, और इधर ऑन द स्ट्रीट यू कैन गिव द फूड्स. यूजुअली आई डू दिस, सो आई रियली फील लाइक माई सोल, आई एम फीडिंग माई सोल. तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए ये रिचुअल आ रहा है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस. दिस वीक इज़ ऑल अबाउट टू रिमूव द नेगेटिविटी, और वो आपको नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए प्लांट धनतेरस पे ज़रूर बाय करना है. अनदर थिंग इज़ टू इन्वॉल्व कनेक्ट विद द सोशल लाइफ, मीन्स सोशल लाइफ के साथ इंटैक्ट करना पड़ेगा आपको, ओके. सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी फॉर दिस वीक. विश यू आर वेरी गुड लक, इन्जॉय. कॉमेंट डाउन बिलो हैप्पी दिवाली मुझे आप शेयर कर सकते हैं. एंड यस, आई विल यू नो गोइंग टू शेयर मोर अपडेट्स अबाउट अदर रिचुअल्स एंड एवरीथिंग. सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल. बाय. हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बेस्ड पर इस वीक में क्या रिचुअल आ रहा है, क्या लकी कलर आ रहा है, धनतेरस पे क्या ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर जोडिक साइन. So we have your energy is coming 8 of swords, and this is not a positive energy because somehow right now you are going through with this kind of mental stress and trauma कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को कैसे सही करें, कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकले. सो दिस इज समथिंग आई कैन अंडरस्टैंड यू आर गोइंग थ्रू. लेट मी सी आपको एज पर टैरो क्या रिचुअल है जो आपको इस दिवाली पे
करना चाहिए. Eight of Wands, that's really wonderful. This is something I can say, you know, the fire energy is coming for you. And Ten of Wands, again the fire energy. धनतेरस पे भी आपको कुछ चीज़ों को रिलीज आउट करना है एंड यू हैव टू वेलकम समथिंग. सो फर्स्ट थिंग आपके लिए जैसे एनर्जी आ रही थी कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर हेल्पलेस फील कर रहे हैं और स्टक फील कर रहे हैं, नथिंग इज गोइंग इन योर वे और आपको कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा, आपको कोई होप नहीं दिख रही, मतलब दूर दूर तक आपको कोई कुछ चीज़ ऐसे नहीं दिख रही कि हाँ दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस इज होपफुल, दिस इज गिविंग यू द पॉजिटिविटी. सो इस वीक में जब से भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं टिल दिवाली, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप फायर से रिलेटेड आ रहा है तो कहीं मतलब अगर आप टेंपल जा सकते हैं तो दैट इज़ गुड. अगर आप इस दिवाली तक, मतलब अगर हम बात करें तो इस दिन से दिवाली तक अगर आप डेली अगर टेंपल जा सकते हैं तो टेंपल जाएं और आप वहाँ प्रेयर करें, मतलब वहाँ आप दीपक जलाएं, प्रेयर करें, दिया जलाएं, ठीक है. बिकॉज आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि यू कैन अट्रैक्ट गुड लक इन दिस वीक, यू कैन अट्रैक्ट द गुड न्यूज इन दिस वीक एंड दैट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि ये वीक ही इस चीज़ के लिए है, ब्लेसिंग्स का लेने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए. सो दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम जहाँ पर आप अपने लक को अट्रैक्ट कर सकते हैं. रेगुलर आप अपने लिए टिल दिवाली एटलीस्ट, अगर आप वैसे नहीं जा पाते बेस्ड ऑन योर शेड्यूल, ये रिचुअल आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है. जेमिनी, दिस इज द टाइम टू कनेक्ट विद गॉड, दिस इज द टाइम टू कनेक्ट विद यूनिवर्स, ओके. सो अगर आप इन एनी केस आप टेंपल नहीं जा पाते हैं, आप वर्शिप के लिए मतलब बाहर नहीं जा पा रहे हैं, सो डू दिस इन योर हाउस. आप अपने घर पे भी खुद पूजा करें. इट्स नॉट अबाउट कि मॉम पूजा कर रही हैं, दैट्स ओके, योर फैमिली इज डूइंग द सेम थिंग. नो, आपको स्पेशली खुद यहाँ पर प्रेयर करनी है और प्रेयर आपकी काउंट होगी, ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. वर्शिप के लिए दिख रहा है, मुझे वाइब्स आ रही हैं. स्पिरिट गाइड्स आर गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, ओके. सो गो फॉर इट. अनदर थिंग, इस धनतेरस पे आपके लिए स्पेशली आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं लें कि नहीं आपको कुछ लेना ही लेना है तो आपने बहुत ही कुछ महंगा ले लिया या आपने कुछ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ले ली कि नहीं इस एक्सपेंसिव चीज़ों से मुझको लक अट्रैक्ट हो जाएगा. आपके लिए आ रहा है कि यू हैव टू रिलीज आउट द बर्डन, यू हैव टू रिलीज आउट द लाइबिलिटीज, ओके. तो सो एज पर द टेन ऑफ वॉन्ड्स जेमिनी, इट्स गुड फॉर यू कि इस धनतेरस पे आप बहुत अपने आप को बहुत ही बर्डन में नहीं डालें, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी है. आप बेस्ट है कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करें. यू शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ कॉइन, वो सिल्वर कॉइन ले सकते हैं, गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, एज पर योर बजट यू कैन गो फॉर इट, लाइट, हैवी, एनीथिंग, इट्स गुड फॉर यू एक्चुअली, ठीक है. यू हैव टू अट्रैक्ट विद बाई यू नो ब्रिंगिंग सम गुड लक टूवर्ड्स यू. सो आपके लिए सिल्वर या गोल्ड कॉइन बहुत अच्छा रहेगा जेमिनी, यू कैन गो फॉर इट. अदरवाइज इसके साथ साथ आप यू कैन गो फॉर सम काइंड ऑफ यू नो लाइक कैंडल, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है. सो कैंडल्स या फिर गोल्ड या सिल्वर कॉइन आपके लिए बेहतर है. लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर लकी कलर कौन सा दिख रहा है, सो दैट यू कैन गो फॉर इट इन दिस वीक एंड अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स. सो जेमिनी फॉर यू, मैजिक. सी आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी तरफ मिरेकल्स आ रहे हैं, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, तो आप अपनी तरफ से अबंडेंस को कॉल कर सकते हैं. और यहाँ पर्पल कलर आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है एंड दैट इज़ फॉर हायर सेल्फ. पर्पल कलर इज़ फॉर सबकॉन्शियस क्राउन चक्रा, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है एंड मैजिक इज़ ऑल कमिंग फॉर टू अट्रैक्ट गुड लक. सो अगर आप अपनी तरफ से होपफुल होंगे, यू शुड नॉट बी नेगेटिव, यू शुड नॉट फील लाइक अभी तक कुछ नहीं हो रहा था अब क्या होगा. यू हैव टू वेलकम द पॉजिटिविटी, यू नो, ओपन योर हार्ट. सो मिरेकल हैपन्स फॉर दोज हु बिलीव इन इट. सेम थिंग आपको अपना यू नो अपनी तरफ से पर्सपेक्टिव रखना है और दिस इज द टाइम फॉर टू ब्रिंग द आइडियाज, प्लान्स, ग्रोथ और सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस. सो मैजिक इज कमिंग टूवर्ड्स यू. सो दैट इज ग्रेट जेमिनी, गो फॉर इट. पर्पल कलर आप पहन सकते हैं एंड यस, दिस वीक इज रियली लकी फॉर यू. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल. अगर आपका कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, सो यू कैन शेयर, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अभी वेबसाइट पर, सो आप एनी स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ
ले सकते हैं। ऑन दिस दिवाली यू कैन शेयर द गिफ्ट फॉर अदर्स, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, सो कॉमेंट डाउन बिलो हैप्पी दिवाली, आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू, सी यू अगेन, बाय। हाई कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा दिख रहा है। बेसिकली आपके लिए रिचुअल क्या आ रहा है और धनतेरस पे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर शेयर करूँगी। लकी नंबर, लकी कलर भी, नॉट नंबर, लकी कलर। सो आपके लिए 8 of Wands, योर एनर्जी इज एक्चुअली कमिंग वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव। आप इस टाइम पर अपने आप को लेकर काफ़ी एक्टिव एंड मोटिवेटेड दिख रहे हैं फॉर फ्यूचर प्लान्स, फर्दर प्लान्स। हो सकता है आपने अभी से अपने अंदर प्लान भी कर लिया हो कि आप नवंबर में क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्लानिंग करेंगे, आप अपने मन में सोच रहे हैं। बिकॉज 8 of Wands इज कमिंग लाइक वेलकमिंग द गुड न्यूज़, यू आर कमिंग विद 100% इंटेंसिटी, 100% पॉजिटिविटी। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए क्या रिचुअल है जो आपको इस वीक में परफॉर्म करना है। किंग ऑफ कप एंड धनतेरस के लिए आपके लिए आ रहा है डेविल। ओके, सो सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ऑलरेडी वेरी एक्टिव एंड एंथुजियास्टिक आ रहे हैं। सो एज पर किंग ऑफ कप, यहाँ पर आपके लिए जो रिचुअल दिख रहा है दैट इज कमिंग फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ डिजायर। सो ये है आपके लिए वाटर एनर्जी का। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने घर में एक बाउल, अ बिग बाउल और अ काइंड ऑफ ग्लास बाउल, किसी भी तरीके की जो एक बड़ा आपके पास, अगर कुछ यू हैव समथिंग लाइक दिस, और उसमें आप रोज़ या पिंक रोज़, कोई भी फ्लावर जो यू कैन कीप दैट फ्लावर्स, पेटल्स, रोज पेटल्स, इस तरीके से आप उनको उस पानी में डाल के वेलकम गेट, जो आपका डोर है, आपका जो मेन डोर है जहाँ से आपके घर की एंट्रेंस है, तो वहाँ आप उसको रखें। दैट विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड गोइंग टू वेलकम योर इमोशनल हैप्पीनेस। सो इमोशनल हैप्पीनेस, मेंटल पीस एंड गुड न्यूज़ को ये वेलकम करेगा। ये आपको इस, जिस टाइम से भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इस डे से दिवाली तक करना है, एंड दैट विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़ एंड पॉजिटिविटी इन योर फैमिली एंड इन योर हाउस। ठीक है, सो फ्लावर्स को, मतलब जैसे आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट क्या बोलते हैं, जैसे कि कैंडल्स होती हैं जिनको वाटर में रख सकते हैं, ऐसे ही आपको वाटर के अंदर फ्लावर्स को रखना है। ठीक है, आई एम जस्ट मिसिंग दैट वर्ड जो उनको बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, और आप सभी समझ पा रहे होंगे। सो यू कैन टेक दैट एंड कीप इट, तो अपने आप बनाएं, डेली उसको क्लीन करें, डेली आप फ्रेश न्यू फ्लावर्स के साथ या पेटल्स के साथ पानी में वापस से रखें। ठीक है, ऐसा आपको डेली करना है टिल द दिवाली। अनदर थिंग, आपके लिए डेविल आ रहा है। देखो ये कितनी कितनी ब्लॉकेज एनर्जी है। सो यहाँ पर आ रहा है कि धनतेरस पे बिल्कुल भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं लें कि जहाँ जो आपको कहीं ना कहीं मेटलिस्टिकली लाइबिलिटी में डाल रही है। तो यू डोंट नीड टू बाय अ सो बिग थिंग, यू नो, कि जितना बड़ा लेंगे उतना प्रॉफिट होगा, जितना बड़ा लेंगे उतना आपके लिए गुड लक आएगा। नो, इट्स नॉट, दिस इज द टाइम फॉर यू। एक तो धनतेरस के आसपास किसी भी तरीके का अल्कोहल का कंजप्शन या किसी की तरीके की बैड हैबिट या स्मोकिंग और एनी काइंड ऑफ यू नो नेगेटिविटी जिससे अट्रैक्ट होती है, गुस्सा, एंगरनेस, इन सब चीज़ों को नहीं लाएं। ठीक है, अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा फन, हैप्पीनेस और गेट टुगेदर का हिस्सा बने, क्योंकि डेविल यहाँ पे बता रहा है ऑल काइंड ऑफ मेटलिस्टिक नेगेटिविटी जो हम अपने आसपास देखते हैं एज एन कंजप्शन, उससे आपको बचना है। एंड गो फॉर सम काइंड ऑफ समथिंग वेरी स्मॉल, यू नो, स्मॉल इन द सेंस जो हमको बहुत ज़्यादा, जिसके लिए बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करनी होती है। यू कैन गो फॉर अर्दन दिया। ठीक है, कोई जो बहुत ही अपने हाथों से बना रहे हैं अर्दन दिया दिवाली पर विद लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, वो आपने देखा होगा रोड साइड बैठे रहते हैं, दे वॉन्ट कि उनकी यू नो सेल हो। सो यू शुड गो फॉर दिस, यू नो, इस तरीके की कुछ चीज़ के लिए बाय करने के लिए जाएं। अर्दन दिया हो गए, कुछ और वास हो गया, एनीथिंग दैट्स ब्रिंगिंग द गुड लक एंड हैप्पीनेस to you, because that's connecting with the earth energy. Devil भी earth energy से है, so आपको अपनी energy को stable करना है। And जो आप ऐसा जैसे on road side पर बैठे रहते हैं on road, उनकी life में, उनकी family, उनके लिए भी दिवाली special बने, इस तरीके के ritual के साथ चलें, आपके लिए बहुत ही successful होगा। Let me see the color which is coming good for you.
that will going to help you. Movement. See the growth. You can see these two cards are very similar. That's all coming about the growth. जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि अब आपके लिए अच्छी एनर्जी आ रही है. You can easily attract the things. और यहाँ पे भी आपके लिए हारमनी आ रही है. Movement आ रहा है for growth and abundance. So green color आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. Go for green color. तभी तो आप थोड़ा सा relax रहेंगे, anxiety से बचेंगे. ठीक है. So this is all for you. I hope this reading will going to resonate. साथ ही साथ discount चल रहा है website पे. तो कुछ भी आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ आप इफ यू वांट टू बाय यू वांट टू गिव एज अ गिफ्ट टू अदर्स तो आप वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं और कूपन कोड मुझसे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं जान सकते हैं. सो सी यू अगेन बाय. हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक में क्या एनर्जी दिख रही है, क्या रिचुअल आप परफॉर्म करें टू अट्रैक्ट गुड लक प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ एज वेल एज धनतेरस पे क्या ले सकते हैं एंड लकी कलर क्या होगा. So your energy is temperance. This is the time to bring the balance in you. This week is important क्योंकि आप चाहते भी हैं कि work life balance हो, relax रहें, spiritually connected रहें, peacefully आपको इस week में आपको enjoy करना है, happy रहना है, support करना है, cooperative होना है. So this is the week जहाँ पर आपकी expectation भी है कि आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से handle करें and happy रहें. So that's really good. क्योंकि यहाँ एंजल का कनेक्शन दिख रहा है, मतलब एंजल का सपोर्ट दिख रहा है. सो फर्स्ट इज कमिंग फॉर यू जस्टिस एंड वी हैव द थ्री ऑफ वांड्स. सो आपके लिए ये कार्ड्स हैं जो बहुत ही वंडरफुल दिख रहे हैं मुझको. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे मैंने बताया टेम्परेंस आपकी एनर्जी आ रही है, तो दिस वीक इज ऑल अबाउट टू ब्रिंग द बैलेंस. एंड जस्टिस भी यही बता रहा है रिचुअल की वाइज कि आपको इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू यू नो टू सेंटर योर एनर्जी. अपने आप को आपको एक सेटल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. सो जो आपके लिए रिचुअल अच्छा रहेगा दैट इज मोर लाइक आपके यू नो आपके घर में ऐसा अगर आपको ऐसा फील होता है कि देज लाइक यू नो कभी तो बहुत अच्छा रहता है, कभी एकदम नेगेटिविटी आ जाती है, कभी पॉजिटिविटी आती है, कभी हैप्पीनेस आती है फिर चली जाती है. सो वहाँ आपको अब अट्रैक्ट करनी है स्पेशली बैलेंस, स्पेशली एक हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी ऑल टुगेदर. सो जस्टिस के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आप डेली टू कैंडल्स या टू दिया आप डेली जलाएं, मतलब डेली आप पूजा करें अभी से जब से भी आप रीडिंग देख रहे हैं. एंड टू दैट इज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट बैलेंस. ओके, और ये दो आपको रखने हैं दोनों अपने डोर पर, वन एंड दिस साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड. ठीक है. सो ये डेली अभी से स्टार्ट कर दें, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं टिल दिवाली आपको दो दिए जलाने हैं और या दो कैंडल जला सकते हैं, आप लाइट अप कर सकते हैं. दैट विल गोइंग टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ एनर्जी. बैलेंस ऑफ एनर्जी इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. देन ओनली यू कैन ईजिली हैंडल द वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब एंड पर्सनल लाइफ, इवन लव एंड हैप्पीनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड करियर ग्रोथ. इस तरीके से आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी. ठीक है. सो वो स्ट्रेंथ जो मिलनी है, और जैसे कि नॉलेज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पावर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कर पाएंगे. सो दिस इज वॉट द रिचुअल इज फॉर यू. एंड इसके साथ आपके लिए धनतेरस के लिए आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट द फायर एनर्जी. एंड दिस मीन्स कि आप कुछ गोल्ड से रिलेटेड ले. ठीक है. अगर आप गोल्ड नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ गोल्डन चीज़ ले. वो गोल्डन इफ आई विल से आई गिव यू सम एग्जांपल, दिस इज़ लाइक अ गोल्डन कलर. ठीक है. सो आप कुछ गोल्डन कलर का कुछ ले सकते हैं, कुछ बाय कर सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट एबल टू बाय द गोल्डन कॉइन और सम काइंड ऑफ गोल्डन यू नो ज्वेलरी और एनीथिंग, सो धनतेरस पे गोल्ड का ही पैटर्न में कुछ भी आप ले सकते हैं. वो लॉर्ड आइडल्स हो, मतलब भगवान की हमारी आइडल्स हो, या फिर सम काइंड ऑफ डेकोरेशन थिंग जो भी आपके लिए गोल्ड में बने. ओके, गोल्ड कलर इज कमिंग एज फॉर यू टू ब्रिंगिंग दैट गुड लक. ओके, यू कैन सी दिस इज ऑल्सो कमिंग फॉर द गोल्ड. और यहाँ फायर आपके लिए सन आ रहा है एंड दैट्स ब्रिंगिंग विद द अर्थ एनर्जी. तो गोल्ड आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड दिस इज पैशन. सी अगेन द रेड एनर्जी इज कमिंग फॉर यू. फायर एनर्जी आपके लिए रेड कलर बहुत अच्छा है. लियो, आप इस वीक में रेड कलर को पहन सकते हैं, इससे आप गुड लक अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. यू हैव टू ब्रिंग द बैलेंस. और आपका जो थॉट्स हैं, आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो प्लानिंग है,
उनका और आपका कोऑर्डिनेशन विद योर एक्शन ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको रिचुअल बताया है टू लाइट अप टू दियाज और टू कैंडल्स एट द डोर और वो भी लेफ्ट एंड राइट में, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल, आई होप दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड 10% डिस्काउंट जैसे मैं आपको बता ही रही थी एज एन थैंक्स गिवन मैं दे रही हूँ वेबसाइट पे, सो आप वेबसाइट के थ्रू कुछ ले सकते हैं रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिटी, दैट इज व्हाट टू शेयर द गिफ्ट टू अदर्स और इधर फॉर योर सेल्फ, और दैट विल गोइंग टू यू नो यू कैन गेट द 10% डिस्काउंट। सो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आप कोड जान सकते हैं। All right, so see you again and don't forget to say Happy Diwali in comment section and yeah, take care, enjoy your Diwali season, bye. Hi Virgo, let's see aapke liye ye week kaisa rehne wala hai aur I will going to share with you the energy and the lucky color, ritual and Dhanteras pe aap kya kar sakte hain. So your energy is coming page of cup and that's majorly coming like you are waiting for some idle emotional happiness. Aapki taraf koi good news aaye, aap emotionally well-being ho, wo connection ho, baat ho kisi se ya bonding ki baat ho ya kuch email, koi good luck ya kuch opportunity ka message. Somewhere this is the time where you are just waiting for happiness. You can see the emotional love, Pisces energy. It's not about the Pisces especially, it is coming for emotional happiness. सो वर्गो आपके लिए कहीं ना कहीं यू आर एट्रैक्टिंग द गुड न्यूज़ और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और आप थोड़ा रोमांटिक लेजर एंड इन्जॉयमेंट में रहने वाले हैं इस वीक में। एज एन रिचुअल आपके लिए आ रहा है स्टार और आपके लिए वाव टेन ऑफ पेंटिकल धनतेरस के लिए, ठीक है। सो वर्गो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो रिचुअल दिख रहा है मुझको एज पर द स्टार। सो एज पर द स्टार आपके लिए यहाँ पर वर्गो आ रहा है, दिस इज़ द टाइम टू मैनिफेस्ट और स्टार और मून को आप जल अर्पण करें, ठीक है। इवनिंग में आपको जल चढ़ाना है एंड मेक अ विश प्रेयर करते हुए और दिस इज यू नीड टू डू इस रीडिंग से लेके दिवाली तक। तो आपको शाम को इवनिंग में व्हेन द मून इज देयर तो आप मून को जल अर्पण करें, जल चढ़ाएं, साथ ही साथ अपनी प्रेयर को बोलें, काउंट करें अपने मन में, ठीक है। दिस यू नीड टू डू और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है और आप जो भी मिरेकल्स और जो भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हो जाएं यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज द टाइम टू जस्ट कनेक्ट विद द मून एनर्जी विद द स्टार एनर्जी। सो इवनिंग में आप ये करना, ये जल चढ़ाना ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है और दैट विल अट्रैक्ट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके साथ साथ पेंटिकल्स आ रहे हैं, टेन ऑफ पेंटिकल फॉर यू। सो धनतेरस पे आपके लिए अच्छा होगा कि आप कुछ ऐसा बाय करें जो आप यू नो दैट इज ब्रिंगिंग द गुड लक एंड अबेंडेंस। आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कॉइन, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन, आप ऐसा कुछ बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ धनतेरस पे रिचुअल भी दिख रहा है, यू शुड जस्ट गिव सम फूड और यू नो सम काइंड ऑफ हेल्प टू एनिमल्स। यहाँ पर आप एनिमल्स भी दिख रहे होंगे आपको और ये चैरिटी के लिए है, ये सपोर्ट के लिए है, ये यू नो एक रिचुअल के लिए की तरह आ रहा है। सो धनतेरस पे गोल्ड या सिल्वर कॉइन को लें आप और अगर वो नहीं ले सकते हैं सो एटलीस्ट कुछ समथिंग रिलेटेड टू द गोल्ड और सिल्वर चमकती हुई, ठीक है। जैसे कि आई कैन से दिस इज ऑल्सो द गोल्ड शाइन, ठीक है, ऐसा या ऐसा, तो कुछ भी गोल्ड या सिल्वर से जो ऐसा शाइन है वो लें। और यहाँ एज एन चैरिटी टेन ऑफ पेंटिकल आ रहा है, अबेंडेंस आएगी अगर चैरिटी देंगे तो डोनेट ज़रूर करें कुछ ना कुछ। वो एनिमल की केयर के लिए आप एनिमल को कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे तो आपके लिए यहाँ पे डॉग से दिख रहे हैं, सो इट्स गुड कि आप कुछ डॉग को कुछ खिलाएं। और प्लीज़ डोंट डू दिस कि ब्लैक को खिलाना या क्रीम को नहीं खिलाना, जो भी स्ट्रे डॉग है आप किसी को भी कुछ खिलाएं, ऑफर करें और वहाँ आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। धनतेरस पे करना ना भूलें, यू विल गोना सी लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। इसके साथ आपके लिए लकी कलर क्या आ रहा है, लेट मी सी वर्गो।
एंजाइटी, एंजाइटी रिमूव होगी आपके लिए. देखो अगेन दिस इज हाईली कमिंग लाइक अ ग्रीन कलर और गोल्डन कलर, यू नो यू कैन से ग्रीन एंड गोल्डन इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू. और ये आप इस वीक में पहने, इससे आपकी लाइफ में जो वरीज हैं, एंजाइटीज हैं, स्ट्रेस है, वो खत्म होगा. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. साथ ही साथ आपके लिए मैंने 10% डिस्काउंट दिया हुआ है वेबसाइट पर. सो इंस्टाग्राम के थ्रू कोड लेकर आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप ले सकते हैं, गिफ्ट शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस को, दिवाली पे गिफ्ट दे सकते हैं, अपने लिए भी ले सकते हैं. सो यस एंड कॉमेंट डाउन बिलो हैप्पी दिवाली, दैट विल गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड सेम टू मी. सो सी यू अगेन, बाय. हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक के लिए क्या एनर्जी आ रही है, वो क्या रिचुअल है, लकी कलर है एंड धनतेरस पे आप क्या ले सकते हैं दैट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ लक, प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ एंड वेल्थ टू यू. सो टेन ऑफ वॉन्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है. ये वीक काफ़ी बिजी वीक दिख रहा है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप जो चीज़ें आप अपनी उम्मीद करके चल रहे हैं वहीं आपको ऐसा लग रहा है कि क्या क्या कर लें इसी टाइम में और क्या क्या हो सकता है. सो दिस इज समथिंग यू आर कमिंग लाइक विद द बर्डन ऑफ लॉट्स ऑफ वर्क और एक्सपेक्टेशन, और आपकी जो जो मतलब जो प्लानिंग है वो आपको बहुत बिजी शेड्यूल में डाल रही है. ठीक है, सो दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. फेस्टिव सीजन में हम बहुत कुछ चीज़ें होती हैं. सो फर्स्ट फॉर यू द जस्टिस, लिब्रा आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आप ही हैं ये एनर्जी. सो लेट मी सी आपके लिए धनतेरस के लिए क्या एनर्जी आ रही है. किंग ऑफ सॉर्ड आपके लिए सॉर्ड एनर्जी दिख रही है दोनों ही जगह. तो यहाँ सबसे पहले बोलूँगी मैं आपके लिए ये रिचुअल बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में, सो दैट यू विल ब्रिंग द बैलेंस एंड द स्टेबिलिटी एंड लॉट्स ऑफ पावर एंड ग्रोथ एट अ टाइम. इट्स गुड अगर आप अपने इस वीक में जिस जैसे जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं टिल द दिवाली, आप फ्लावर्स ऑफर करें टू द गॉड. ओके, आप जब भी प्रेयर कर रहे हैं, आप मतलब पूजा कर रहे हैं अपने घर में, सो फ्लावर आप ज़रूर वहाँ पर ऑफर करें. फ्लावर में आपके लिए जो सबसे अच्छा दिख रहा है दैट इज़ कमिंग रोज. ठीक है, वो आपके लिए लव एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं एज पर द स्पिरिट गाइड्स. आई एम गेटिंग वाइब्स फॉर यू कि इट्स द टाइम फॉर यू टू यू नो ब्रिंग एंड अट्रैक्ट दैट लव. सो आपको रोज स्पेशली आप हर दिन एज एन प्रेयर में जो आपके जो मंदिर है आपका जो जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर ऑफर करें. ठीक है, दिस इज़ यू नीड टू डू. इससे आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, यू कैंट बिलीव दैट एंड दैट्स कम्प्लीटली कमिंग इन योर फेवर. साथ ही साथ धनतेरस पे इट्स गुड एज एन किंग ऑफ सॉर्ड एनर्जी इज कमिंग फॉर योर आइडियाज, प्लान टू अट्रैक्ट गोल. आप चाहते हैं कि आपको पावर मिले, ग्रोथ मिले, आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलें. इट्स द टाइम फॉर यू टू यू नो ऑन धनतेरस गो फॉर सम सिल्वर. सिल्वर आपको यहाँ लेनी चाहिए, सिल्वर कॉइन ले लें, सिल्वर स्पून ले लें या सिल्वर कलर से रिलेटेड कुछ ले लें. अगर आप एज एन सिल्वर नहीं लेना चाहते, आप यू आर जस्ट गोइंग विद दिस काइंड ऑफ बजट जहाँ, सो आप सिल्वर कलर का कुछ ले सकते हैं अगर आप सिल्वर नहीं ले पा रहे हैं. सिल्वर धनतेरस पे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और वो आपकी मन को भी शांत करेगा, एंजाइटी स्ट्रेस को रिलीज आउट करेगा एंड विल अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. गुड लक टू यू. सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू लिब्रा. लेट मी चेक नाउ आपके लिए क्या दिख रहा है एज एन लकी कलर. कॉन्फिडेंस आपके लिए ब्लैक कलर बहुत अच्छा आ रहा है और आप ये ब्लैक कलर से रिलेटेड कुछ आप कैरी कर सकते हैं या फिर आप ब्लैक कलर पहन सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, आपके लिए कॉन्फिडेंस जो आप अट्रैक्ट करेंगे, पावर जो मैं बात कर रही थी, एंथुजियाज्म, वो क्योंकि यहाँ टायर्ड एनर्जी आ रही है. यू आर ऑलरेडी फीलिंग टायर्ड विद ऑल द थिंग्स एंड प्लानिंग एंड एवरीथिंग और अब आप हेल्पलेस हो रहे हो, एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, ये है वो है, ऐसा करना है वो करना है वो भी है. सो दिस लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर क्रिएटिंग यू नो दैट स्ट्रेस ऑन यू. सो दिस इज द टाइम टू ब्रिंग द कॉन्फिडेंस लिब्रा एंड यस डोंट फॉरगेट टू ऑफर फ्लावर्स टू द गॉड. दैट विल गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू यू. आपकी विश, आपकी डिजायर पूरी होगी.
Flowers belongs to healing, flowers belongs to love, flowers belongs to bring the happiness, और वही आपके लिए दिख रही हैं. And the sword energy, कहीं ना कहीं ये रिचुअल से ना आपके घर में भी बहुत पॉजिटिविटी आएगी, फैमिली के बीच में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, और अगर रिलेशनशिप में भी, ठीक है. इसके साथ साथ जैसे सिल्वर बताया है, तो सिल्वर से रिलेटेड या सिल्वर कॉइन, ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं. So this is all. I hope this will going to help you a lot. Or as you know, discount चल रहा है वेबसाइट पे. So अपने लिए या फिर आप किसी के लिए गिफ्ट ले सकते हैं, और कूपन कोड जो है इंस्टाग्राम के थ्रू मिलेगा. So you can contact me. And yes, happy Diwali comment section में ज़रूर लिखें. See you again. Bye. Hi Scorpio, let's see आपके लिए ये वीक कैसा है. साथ ही लकी कलर, रिचुअल एंड धनतेरस पे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ शेयर करूंगी. सो आपकी एनर्जी सन. सो यहाँ पर स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी में आ रहा है सन, एंड दैट्स रियली वंडरफुल. यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिवाली, यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर विंटर्स, यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर, न्यू होप, गुडनेस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, मैरिज एंड यू नो सम सेलिब्रेशन फैमिली. सो दिस इज समथिंग इज कमिंग, लाइक करियर हो या फिर आपकी खुद की पर्सनल लाइफ हो, यू आर एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस एंड चेंजेस विच बिलोंग्स टू यू, और यू वॉन्ट सेलिब्रेशन इन ऑल एक्सपेक्ट. सो प्रॉस्पेरिटी एनर्जी आ रही है, एंड दैट्स रियली वंडरफुल, इट्स अमेजिंग. लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके लिए दिवाली रिचुअल एंड धनतेरस के लिए क्या मिल रहा है. सो वी हैव एट ऑफ पेंटिकल, ओके. एंड फॉर धनतेरस क्वीन ऑफ पेंटिकल. सो देखो आपके लिए पेंटिकल्स आ रहे हैं. दिस इज कम समथिंग लाइक यू नो यू हैव टू वर्शिप, यू हैव टू कनेक्ट विद द अर्थ, अर्थ एनर्जी दिख रही है, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं बात करूं आपके लिए कि आपको इस दिवाली पे, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ से दिवाली तक आपको क्या रिचुअल करना है. सो रिचुअल इज मेजरली कमिंग कि इट्स गुड अगर आप 8 दिया जलाएंगे अपने घर के आसपास. मतलब आप जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे दिवाली तक आप तुलसी की पूजा करें, ठीक है. तुलसी पूजा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, बिकॉज दिस इज द टाइम टू अट्रैक्ट मनी, दिस इज द टाइम टू अट्रैक्ट सम गुडनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल गेन, और ये आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी थ्रू तुलसी, ठीक है. सो तुलसी पूजा आप डेली कर सकते हैं. आई होप यू ऑल हैव तुलसी प्लांट इन योर हाउस. अगर तुलसी प्लांट नहीं है इन एनी केस, सो यू कैन कीप द दिया. आपको जो पूजा करनी है, प्रेयर करनी है, एक दिया रखना है तुलसी में, या फिर आप कोई और प्लांट में रख सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है. अदरवाइज आप तुलसी में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके लिए यहाँ पर पेंटिकल एनर्जी आ रही है, एंड दैट इज़ कमिंग फॉर ग्रोथ, मनी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड हेल्थ स्ट्रांग हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, ठीक है. सो डू दिस, तुलसी पूजा करें, आपको बहुत सारे अच्छे चेंजेस नज़र आएंगे, आप जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप उतना यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिविटी, ठीक है. साथ ही साथ आपके लिए जो रिचुअल तो यहाँ मैंने करा, अब आपके धनतेरस के लिए जो वाइब्स आ रही हैं स्कॉर्पियो, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू अट्रैक्ट सम अर्थ एनर्जी, ठीक है, अर्थ एनर्जी. तो यहाँ दो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं, आइदर गो फॉर सम काइंड ऑफ स्टैचू और सम काइंड ऑफ यू नो हैंडमेड थिंग, जो आपको हैंडमेड, जो जैसे मिट्टी से बने हुए, क्ले से बने हुए, या फिर स्टैचू, या फिर कुछ होता है कि जो क्राफ्टिंग वर्क होता है ऐसा, कि जो जैसे यू नो जो ऐसे शेप दे देते हैं किसी भी, दिवाली पे बहुत कुछ मिलता रहता है आउटसाइड. सो यू शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ, जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं उसको बाय करें, ठीक है. और यू कैन गो फॉर वुड एज वेल, वुड से कुछ बना हुआ हो, जैसे कि यूटेंसिल में बहुत कुछ होता है जो वुड से बना हुआ होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, वुड और आइदर लाइक अर्थ, अर्दन, अर्दन से रिलेटेड जो भी कुछ है, पॉट, क्ले पॉट, और सम काइंड ऑफ बिग बाउल और प्लेट, एनीथिंग इस तरीके से चीज़ें, और हैंडमेड, मतलब हैंडमेड एनर्जी दिख रही है, हैंडमेड ले. दूसरा जो इसके अलावा ले सकते हैं, प्लांट्स, प्लांट्स बाय कर सकते हैं. सो वुड से रिलेटेड कुछ प्लांट्स, या फिर यूटेंसिल, या फिर क्ले से रिलेटेड कुछ अर्दन पॉट या
आइडल्स या फिर कुछ बना हुआ जो ऐसा है कि जैसे फ्लावर पॉट हो गया वो बना हुआ होता है, ऐसा कुछ ले सकते हैं, दिया ले सकते हैं, ऐसा आप लें धनतेरस पे, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। उसी से आप अट्रैक्ट कर पाएंगे मनी। धनतेरस पे वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग द वेल्थ एंड प्रोस्पैरिटी और वो आपके लिए दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू एंड लेट मी सी आपके लिए लकी कलर क्या आ रहा है फॉर दिस वीक। सैडनेस, सी देखो आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि दिस इज़ द टाइम टू रिमूव दिस एनर्जी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ टाइम फॉर यू कि आप फायर से कनेक्ट रहें या अर्थ से कनेक्ट रहें, तो आपके लिए रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, लेकिन जो वाटर कलर है ग्रीन, जैसे सी कलर जो है, सो दैट कुड बी ब्लू, स्काई ब्लू, और इस कलर, इस टाइप के कलर से बचें, ठीक है। सो आपको इमोशनली किसी भी इमोशनल कलर है हमारे लिए ब्लू, उससे बचना है। और इसके अलावा जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है वो है रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, इनको आप ज़रूर पहने, ठीक है। सो ब्लू कलर को अवॉइड करें। सो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट आई होप। सो वेबसाइट पे भी 10% डिस्काउंट चल रहा है। गिफ्ट देना है या आपको खुद अपने लिए कुछ लेना है रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिटी, दैट कुड बी क्रिस्टल्स, कैंडल्स, मिस्ट, सो यू कैन टेक, यू कैन मैनिफेस्ट विद दैट। और जो कूपन कोड है वो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कर रही हूँ, तो आप इंस्टाग्राम से वो कूपन कोड ले सकते हैं, देन गो एंड ऑर्डर एनीथिंग, ओके। सो कमेंट डाउन बिलो हैप्पी दिवाली एंड सी यू अगेन, बाय। क्या बाय कर सकते हैं वो शेयर करूंगी। सो फॉर यू सिक्स ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी में आ रहा है ब्लेसिंग्स। यू आर वेटिंग फॉर ब्लेसिंग्स, सम रिकवरी, सम गुड न्यूज, सम पीसफुल रेजोल्यूशन एंड सम अपॉर्चुनिटीज। दैट्स वाई सिक्स ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर यू। आपने अपना हार्डवर्क किया है, आपने अपना डेडिकेशन दिया है एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिजल्ट कि हाँ आपको ब्लेसिंग्स में मिले, वो फाइनेंशियल गेन हो या हेल्थ इंप्रूवमेंट हो या अप्रूवल की बात हो, एग्रीमेंट की बात हो, यू आर वेटिंग फॉर ऑल दिस। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल इज लाइक यू नो आप गॉड से प्रेयर कर रहे हैं और दिस दिवाली आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात आ रही है कि अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप प्रे करेंगे, आप विश मांगेंगे और आप अट्रैक्ट करेंगे तो आपकी विश पूरी होगी। सो लेट मी सी आपके लिए दिवाली के लिए क्या रिचुअल है। अनदर थिंग आपके लिए धनतेरस के लिए क्या एनर्जी आ रही है। सो एट ऑफ कप, ओके, एंड आपके लिए धनतेरस के लिए आ रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे एज एन दिवाली रिचुअल एंड दैट इज स्पेशली ब्यूटिफुल थिंग्स सो दैट अदर्स विल मेक यू हैप्पी। यहाँ आपके लिए जो रिचुअल आ रहा है दैट इज़ कमिंग फॉर द नेचर कनेक्शन और इट इज़ अ टाइम आपके लिए अच्छा होगा अगर आप यू नो बर्ड्स को आप कुछ ऑफर करेंगे, बर्ड्स को आप कुछ खिलाएंगे, ठीक है। सो वो पीजन हो या फिर स्क्वायरल हो या फिर आपके आसपास जो भी यू नो यू कैन सी, यू कैन इजीली एबल टू पुट सम लाइक वीट और सम राइस, सम वो मक्का के दाने, आप इस तरीके की चीज़ें जो भी मतलब बर्ड्स और पीजन्स और मतलब सारे ये जो जो हमारे आसपास रहते हैं घर के आसपास वो खा सकते हैं, आप वो ऑफ़र करें। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उससे दिवाली तक आप रेगुलर ये चीज़ करें, ठीक है। सो आपको रेगुलर आपको पशु को भी कर सकते हैं, मतलब कि आप एनिमल्स को भी खिला सकते हैं, स्पेशली आपके लिए बर्ड्स के लिए आ रहा है, सो गो फॉर इट। और आप जो भी बर्ड्स हैं और लाइक स्क्वायरल्स एंड ऑल, इनको ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफर करें, ठीक है। दैट विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ पीस क्योंकि आपके लिए रिकवरी एनर्जी दिख रही है और ब्लेसिंग्स मिलेंगी व्हेन यू आर शेयरिंग समथिंग। जब आप किसी को कुछ खिला रहे हैं, जब आप यू कैन सी दिस इज लाइक अ पुअर गाय, दिस आर द पुअर गाय जो जिनको कुछ मिल रहा है एंड दैट इज़ बेसिकली कमिंग फॉर यू कि आपको इन रिटर्न ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यू शुड फर्स्ट स्टार्ट ऑफरिंग। सो चैरिटी की वाइब्स आ रही हैं, स्पेशली बर्ड्स के लिए आ रहा है। सो बर्ड से आपको पीस, प्रॉस्पैरिटी एंड हीलिंग मिलेगी, हेल्थ हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, क्योंकि आप एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अगर देखा जाए कि धनतेरस पे आपके लिए क्या स्पेशल है, क्या अच्छा है, तो धनतेरस पे आपके लिए स्पेशली दिख रहा है कि इट्स टाइम फॉर टू गो फॉर सम सिल्वर। जस्ट आपको एक पीस की ज़रूरत है,
पीस इज इम्पॉर्टेंट. तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो लानी है वो आपके लिए आएगी थ्रू सिल्वर. सो सिल्वर कलर का आप कुछ ले सकते हैं, सिल्वर कॉइन भी ले सकते हैं, सिल्वर की कोई ज्वेलरी ले सकते हैं, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू. इसके साथ साथ आपके लिए धनतेरस पे स्पेशल है कि आप अपने अंदर कुछ इस हैबिट को भी दूर करें. धनतेरस पे इस तरीके की हैबिट जो आपको कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ आपके आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, नेगेटिव पीपल हैं, या फिर उनकी कंपनी अच्छी नहीं है, तो उस कंपनी को, उस कनेक्शन को दूर करें. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके आसपास हर कोई बहुत वेल विशर नहीं दिख रहा है. सो सम आर वेरी मैनुपुलेटिव एंड प्लेइंग स्मार्ट गेम और डूइंग पॉलिटिक्स. सो इट्स गुड कि आप उनसे कट ऑफ कर लें, आप उनसे कनेक्शन ख़त्म कर लें, ठीक है. दैट्स ब्रिंगिंग द पीस. सो सिल्वर आपके लिए बहुत अच्छा है. गो फॉर सिल्वर कॉइन और सम काइंड ऑफ एनीथिंग जो सिल्वर से कनेक्टेड है. स्पून ले सकते हैं आप, यूटेंसिल दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ. कलर आपके लिए देखो आइसोलेटेड. आपके लिए अगेन कलर जो दिख रहा है दैट इज कमिंग ग्रे कलर. ग्रे कलर इस वीक में आपके लिए काफ़ी लकी होगा और आपके लिए कंसंट्रेशन के लिए आ रहा है. दिस बिंदु इज कमिंग फॉर लाइक सेंटर, सेंटर ऑफ एनर्जी. और दिस इज द टाइम फॉर आइसोलेशन, मतलब अब आपको अपने आप को उस नेगेटिविटी से, वो उस तरीके की जो लोग हैं या फिर एक्सपेक्टेशन है, उन सबसे कट ऑफ करके दूर चले जाना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है. सो दिस इज द टाइम टू ब्रिंग द न्यू फेज इन योर लाइफ. और आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. ये रिचुअल को ज़रूर परफॉर्म करें, ये आपके लिए लकी आ रहे हैं. डेफिनेटली यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट द लक, फाइनेंशियल गेन एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. ओके, सो कमेंट डाउन बिलो हैप्पी दिवाली. एंड साथ में अगर आप वेबसाइट से कुछ लेना चाहते हैं रिलेटेड टू क्रिस्टल्स, कैंडल्स और मिस्ट और एनी स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल थिंग, सो आप 10% डिस्काउंट पे ले सकते हैं. इंस्टाग्राम के थ्रू आप कोड ले पाएंगे. सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड देन यू कैन बाय. सो दिस इज ऑल, बाय. हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक की एनर्जी क्या दिख रही है, लकी कलर क्या है, रिचुअल क्या कर सकते हैं जिससे लक अट्रैक्ट करेंगे ऑन दिस दिवाली, एंड धनतेरस पे आप क्या ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनर्जी. सो फर्स्ट आपकी एनर्जी है कैप्रिकॉन, न्यू बिगनिंग, अ न्यू फन, लव, ट्रैवलिंग, हैप्पी टाइम, इंजॉइंग एंड गोइंग विद योर ओन टर्म्स. आप खुद अपने लिए कदम बढ़ा रहे हैं, एक नई शुरुआत दिख रही है, एक नया चैप्टर दिख रहा है, लव रोमांस के भी चांसेस दिख रहे हैं. साथ ही साथ आपके लिए दिख रहा है कि आप एक नई सोच, एक नए फेज की तरफ आगे बढ़ेंगे. हो सकता है उस चीज़ को लेके अदर आर नॉट वेरी कंफर्टेबल और विल नॉट गोना एक्सेप्ट यू, बट स्टिल यू आर गोइंग विथ योर चॉइस. तो आप रिस्क ले रहे हैं, फेथ पे आगे कदम बढ़ाएंगे. तो लेट मी सी आपके लिए क्या रिचुअल है दैट विल गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि यहाँ ज़ीरो दिख रहा है. ज़ीरो इज कमिंग फॉर प्लानिंग एंड टेकिंग स्टेप अहेड. टू ऑफ वंड्स, ओके, एंड वी हैव फाइव ऑफ सॉर्ड. ओके, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कैप्रिकॉन, आपकी अर्थ एनर्जी है कि आप दो दिए डेली, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे, घी के दिए जिस टाइम से भी रीडिंग देख रहे हैं उस दिन से दिवाली तक, आप अपने डोर पर रखें, अपने घर के जो मेन डोर है, आपका मेन गेट है, वहाँ रखें लेफ्ट एंड राइट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. और ये रिचुअल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो आपकी जर्नी है, आप जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, विजन, प्लानिंग, अपॉर्चुनिटी, ट्रैवलिंग, इन सब में आपको बहुत पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज एंड गुड लक मिलने वाला है. योर प्लानिंग्स आर मोर कमिंग अबाउट द अब्रॉड, योर प्लानिंग्स आर मोर कमिंग क्रॉसिंग बॉर्डर, योर प्लानिंग्स आर कमिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्लान, चॉइसिस, डिसीजन, lots of things you are planning. और ये सारी चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट होंगी. वो जो ग्लोब दिख रहा है ना आपके हाथ में, दिस इज़ वॉट कमिंग योर ड्रीम्स, योर ड्रीम्स अबाउट दिस वर्ल्ड, योर ड्रीम्स अबाउट दिस योर फैमिली. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. आप दो दीपक ज़रूर जलाएँ, दो दिए ज़रूर जलाएँ, इससे आप अट्रैक्ट कर पाएंगे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़. ओके, एंड रही बात आपकी धनतेरस के लिए, सो यहाँ पे धनतेरस पे फाइव ऑफ सॉर्ड एनर्जी दिख रही है एंड दैट्स कमिंग अबाउट द आइडियाज़, प्लानिंग, थिंकिंग. सो इट्स गुड कि आप किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ लें जो आपको इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट करती है. सो आप किस इस तरीके का कोई स्टैचू ले सकते हैं, बुद्धा स्टैचू ले सकते हैं, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू. बैम्बू प्लांट ले सकते हैं और सम स्पिरिचुअल जो प्लांट्स हैं हमारे, तुलसी है,
स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, सो वी हैव लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल प्लांट्स, पीस लिली है. तो इस तरीके के प्लांट्स आप लें, या तो प्लांट्स लें या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया कोई बुद्धा स्टैचू और सम पेंटिंग, सम काइंड ऑफ वाटर फाउंटेन, इस तरीके का कुछ लें जिससे कि आपकी लाइफ में पीस बनेगा. आपके जो थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र है ये आपके लिए काफ़ी एक्टिव वर्क करेंगे, ठीक है. सो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, और वही एनर्जी के लिए आपके लिए ये जो मैंने बताया रेमेडी एज एन रिचुअल वो अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज के लिए. और साथ में धनतेरस पे कुछ स्टैचू और सम स्पिरिचुअल कनेक्टेड जो मेटाफिजिकल थिंग्स होती हैं उनको लें. क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं आप, ठीक है. क्रिस्टल्स विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. या सो आपके लिए लकी कलर आ रहा है मिस्ट्री. सी अगेन दिस इज कमिंग अबाउट द ऑप्शन चॉइसेस एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज. सो आपके लिए मिस्ट्री आ रही है, आपके लिए कॉन्शियसनेस आ रहा है, आपके लिए पर्पल कलर बहुत अच्छा है, और दिस इज कमिंग फॉर क्राउन चक्रा. सो पर्पल कलर के साथ आगे बढ़े आपके लिए अच्छा रहेगा. और जो विजन है आपका, जो आपकी प्लानिंग है, जो आप दूर तक का सोच कर चलना, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है. मतलब आपके डिसीजंस अच्छे रहने वाले होंगे, आप अपने सही डिसीजंस लेंगे, आप सही प्लानिंग करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू कनेक्ट विद यू. सो अगर आप कुछ वेबसाइट से लेना चाहते हैं स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल थिंग्स, सो 10% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, सो यू कैन टेक दैट. इंस्टाग्राम के थ्रू कोड मिलेगा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड गेट द कोड एंड देन ऑर्डर समथिंग. साथ ही साथ हैप्पी दिवाली कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. सी यू अगेन, बाय. हाई एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए लकी कलर क्या है. वो रिचुअल जो आपको परफॉर्म करना है सो दैट कि आपको लक, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो, आपकी एनर्जी एंड आप धनतेरस पे क्या ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनर्जी. सो आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड. योर एनर्जी इज मोर अबाउट लाइक प्लानिंग एंड विद लॉट्स ऑफ थिंग्स यू आर कन्फ्यूज कि ये है या वो है. इल्यूजन और रियलिटी में बहुत कन्फ्यूजन दिख रहे हैं आपकी तरफ, और दैट इज़ वेयर यू आर जस्ट फाइंडिंग योर सेल्फ स्टक. आप रेडी हैं, मोटिवेटेड हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट देर आर लॉट्स ऑफ थाट्स विच आर जस्ट यू नो क्रिएटिंग कन्फ्यूजन्स अराउंड यू. और तो ऑन दैट नोट लेट मी सी आपके लिए क्या रिचुअल बन रहा है जो इस दिवाली पे आपकी मदद करेगा. एट ऑफ पेंटिकल, ओके. एंड थ्री ऑफ सॉर्ड इज योर एंड यू नो धनतेरस के लिए आ रहा है. सो दिस इज अ टाइम टू ब्रिंग समथिंग. सबसे पहले आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उस टाइम से दिवाली तक आपको जो रिचुअल करना है दैट इज अपने घर में आप यू नो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रखें. मतलब यू शुड ब्रिंग सम काइंड ऑफ लैम्प, लाइट, कैंडल्स और दिया. इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को रोशनी में कन्वर्ट करें, ठीक है. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल अर्थ एनर्जी आ रही है विद द गोल्ड कॉइन्स. द कलर इज कमिंग बेसिकली फॉर यू, फॉर योर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी. तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके घर में ऐसा नहीं रहे कि आप रात में बिल्कुल सब कुछ अंधेरा करके सो रहे हैं, और आइदर यू आर लाइक यू नो नॉट यूजिंग लाइक लाइट्स आपके घर में कम हैं, ऐसा नहीं होना है. आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेलकम करनी है लाइट, दैट गोल्डन लाइट, एंड दैट विल हेल्प यू. यू कैन ब्रिंग सम गुड लाइट एंड यू कैन कीप इट अराउंड इन योर रूम, इन योर हाउस. That will also going to bring lots of prosperity. इस ritual के साथ साथ important है time is to offer some love, some respect and some charity to those who do things with their hand. ठीक है, तो जो जो लोग अपने हाथ से चीज़ों को बनाते हैं, जो talent के साथ हैं, जो skills के साथ हैं, जो उनसे create करते हैं, उनको कुछ offer करें, उनको आप कुछ as an charity दें. ठीक है, आपने देखा होगा on road side there are lots of people who do हाथ से बनाते हैं, कुछ लोहे की चीज़ें बना रहे हैं, they are creating utensil, they are creating earthen pot, they are creating some things जो हमारे हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं. सो यू शुड ऑफर समथिंग टू देम. ये आप उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनको कुछ स्वीट दे सकते हैं, आप उनको कुछ
क्लोथ्स दे सकते हैं, इस तरीके से ऑफर करें। एक तो अपने घर में आपको ज़्यादा लाइट्स रखनी है इस दिवाली, अनदर थिंग आपको ऑफर करना है समथिंग जो लोग कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं, उनको देना है, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ आपके लिए जो दशहरा, इसके साथ साथ आपके लिए जो धनतेरस के लिए जो यू नो आ रहा है कि वॉट यू कैन ऑफर, यू कैन बाय, सो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए हार्ट ब्रेक एनर्जी आ रही है। हार्ट ब्रेक एनर्जी इन द सेंस कि आपका जो माइंड है और आपका जो हार्ट है दोनों बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, मेंटली पेन में दिख रहे हैं। दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपकी डिज़ायर है जो पूरी नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्शंस लेना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहे हैं, एंड यू आर इन पेन, यू आर इन सफरिंग। सो हीलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज द टाइम टू ब्रिंग एट लीस्ट वन प्लांट इन योर यू नो इन अ हाउस। और अगर आप पिंक रोज लेंगे या आपकी जो जैसे आपने देखा होगा अ बंच ऑफ लाइक जो एक बंच होता है प्लांट में, ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स जिसमें आते हैं एक साथ, इस तरीके का कोई गुलदस्ता, इस तरीके का कोई प्लांट लें। और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड सिल्वर कॉइन जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, बट दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप एक बंच, फैमिली बॉन्डिंग यूनिटी रिलेशनशिप में हैप्पीनेस के लिए आपको पिंक रोज का प्लांट, अनदर बंच ऑफ फ्लावर्स का जो और ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा बंच होते हैं, तो ऐसा कुछ ले सकते हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब आपकी जो पेन, सफरिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और यू नो जो मेंटल स्ट्रेस है वो ख़त्म कब हो रहा है, ठीक है। बहुत ही इजीली आप इससे ओवरकम कर पाएंगे। सो इसके साथ साथ लेट मी सी लकी कलर क्या आ रहा है जो आप पहन सकते हैं। ट्रस्ट, आपके लिए ब्लू कलर आ रहा है। दिस इज़ द टाइम टू, अब ये देख रहे होंगे हर जगह आपके लिए ब्लू ही दिख रहा है। टाइम इज़ टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स से ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा और होपफुल रखना होना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सॉर्ड एनर्जी दिख रही है कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूजन्स बहुत हैं। सो ट्रस्ट एंड दिस हर्ट इज़ कमिंग फॉर यू एज एन हीलिंग, और ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, गो फॉर ब्लू कलर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। साथ ही साथ 10% डिस्काउंट वेबसाइट पे है, सो एनी मेटाफिजिकल थिंग, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कुछ ले सकते हैं, गिफ्ट शेयर कर सकते हैं, कूपन कोड इंस्टाग्राम पे मिलेगा, सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और यस, आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिए हैप्पी दिवाली एंड सी यू अगेन, बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक की एनर्जी क्या दिख रही है। लकी कलर, रिचुअल एंड धनतेरस पे आप क्या ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनर्जी, जिससे लक, प्रोस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी आएगी। सो फॉर यू योर एनर्जी इज एस ऑफ सॉर्ट, दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। यू आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, यू आर वेटिंग फॉर सम सोल्यूशन, यू आर वेटिंग फॉर सम ऑप्शंस, एंड दैट्स वंडरफुल, यू कैन सी द गॉड इज कमिंग विद अपॉर्चुनिटी। सो ये बहुत ही अच्छा वीक दिख रहा है जहाँ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, जहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, जहाँ पर आप एक्शन लेना चाहते हैं अपनी कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स के बेसिस पे। सो यू आर फिगरिंग आउट द ऑप्शन, चॉइसेस एंड यू नो सॉल्यूशंस। आपके लिए रिचुअल क्या है ऑन दिस दिवाली, टावर, ओके, एंड आपके लिए धनतेरस के लिए आ रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड। आपकी सारी एनर्जी सॉर्ड एनर्जी दिख रही है, साथ ही साथ आपके आइडियाज, प्लान एंड थिंकिंग के बेसिस पे दिख रही है, मतलब आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर क्रिएटिंग स्ट्रगल इन योर लाइफ, तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उस चीज़ का। तो यहाँ पे जो आपके लिए दिवाली के लिए रिचुअल है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप यू नो आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज पर द टावर, और आप गॉड को प्रेयर करें, मतलब आपको डेली पूजा करनी है, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा कपूर को बर्न करके आप अपने पूरे घर में कपूर का धूपावली करते हैं ना, जैसे कि धूप देते हैं, इस तरीके से कपूर को आप हर कपूर लौंग दोनों चीज़ों को मिलाकर, एंड अगर आपके पास सामग्री है तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बेलीफ का अगर बेलीफ है तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये मैंने तीन चार चीज़ें बता दी हैं, ये जो भी अवेलेबल है वो करें, उसको लेके अपने घर में चारों तरफ आप उसको डेली, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे दिवाली तक आपको ये मॉर्निंग के टाइम, मतलब मॉर्निंग प्रेयर के बाद आपको उस हर रूम में, हर
तरफ पॉजिटिविटी को ले जाना है, क्योंकि टावर बता रहा है दिस लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी इन यू, इन योर माइंड, इन योर ओवरऑल प्लान्स और आपके आसपास. ये नहीं है कि आप बुरे हैं. दिस इज़ व्हाट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन को लेके बहुत ट्रबल में दिख रहे हैं, ट्रॉमा में दिख रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है. सो कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब चीज़ें रुक रही हैं, अनस्टेबल हो रही है. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनी आसपास, अपने एटमॉस्फेयर में जो आपकी एनर्जी है उसको क्लीन करना होगा, अपने ऑरा को प्यूरिफाई करना होगा. सो प्यूरिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और तभी आप यहाँ पर रिलैक्स फील करेंगे. ठीक है. सो ये जो मैंने आपको रिचुअल बताया इसको डेली परफॉर्म करें, डेली करें. इससे आपकी लाइफ में, आपके आसपास, आपका बॉन्ड, यूनिटी, फैमिली लव एंड हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप, हर चीज़ में एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा. ठीक है. इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए जो धनतेरस के लिए जो आ रहा है कि वॉट यू नीड टू बाय, यहाँ पर आपके लिए नाइन ऑफ सॉर्ड आया है और जो क्रिएट कर रहा है कि आप बहुत मेंटल स्ट्रेस में हैं, आप रात को नहीं सो रहे हैं एंड देर इज लॉट्स ऑफ थॉट्स इन यू. जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है, ओवर थिंकिंग का पैटर्न दिख रहा है आपके लिए. ठीक है. आपके लिए क्रिस्टल बहुत अच्छा रहेगा. अब अगर आप बाय करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, सो धनतेरस के लिए आप पहले से ही एक क्रिस्टल ले सकते हैं. और पाइसेस आपके लिए एमेथिस क्रिस्टल बहुत अच्छा दिख रहा है. दूसरा, मेंटल पीस लाना है आपको, सिल्वर इज़ कमिंग गुड फॉर यू. गोल्ड नहीं लें, सिल्वर लें. ठीक है. सिल्वर इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सिल्वर कॉइन, सिल्वर स्पून, सिल्वर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत मदद करने वाला है. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट कमिंग. लेट मी सी आपके लिए कलर कौन सा आ रहा है जो लकी है. सैडनेस, सैडनेस को रिमूव करना है. देख रहे हैं ना सारे कार्ड्स में आपको आ रहा है कि मेंटल स्ट्रेस. सो ब्लू कलर नहीं पहने, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ब्लू कलर आपके लिए सैडनेस ला रहा है. मतलब ये नहीं है कि आपको इस वीक में सैडनेस को झेलना होगा, नो. बट ब्लू कलर जो है वो आपके लिए सूट नहीं कर रहा है. ब्लू कलर को अवॉइड करें. ठीक है. तो ब्लू कलर पहनना अवॉइड करें. और ब्लू कलर यहाँ पर आपकी सॉर्ड एनर्जी बता रहा है एंड पैशन, फायर एनर्जी. आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप रेड कलर को वेलकम करेंगे, रेड कलर आपके लिए हेल्प करेगा. ऑलराइट. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. ओवरऑल आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. अगर आपको वेबसाइट से स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एनीथिंग यू वॉन्ट टू टेक और जस्ट टू मैनिफेस्ट और टू शेयर एज एन गिफ्ट, सो आप ले सकते हैं. 10% डिस्काउंट एज एन थैंक्स गिविंग मैंने दिया हुआ है. इंस्टाग्राम के थ्रू आपको कोड मिलेगा, तो यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू रिसीव द कोड. और यस, कॉमेंट सेक्शन में हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखें. बाय, टेक केयर.